हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT स्टडी जोन में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम आपसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपका यानी कि व्यावसायिक संगठन, जो कि आपका BCom फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, उसके बारे में हम आज से डिस्कशन करने वाले हैं। जिसमें जो आज का टॉपिक है वो है व्यावसायिक इकाई, यानी कि इसके मीनिंग के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, इसके मीनिंग डेफिनेशन और इसके फैक्टर्स के बारे में, यानी कि व्यावसायिक इकाई का क्या अर्थ होता है, व्यावसायिक इकाई के आकार को निर्धारित करने वाले तत्वों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। लिसनर्स, एक और बात, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और इस वीडियो रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारे इंस्टाग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करें, जो कि SWT स्टडी जोन के नाम से बना हुआ है, जहां पर आपको स्टडी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो आई होप आपको मेरी बातें क्लियर एंड समझ में आ गई होंगी। अब आइए चलते हैं अपने वीडियो पर। तो जैसा कि लिसनर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने दिया हुआ है व्यावसायिक इकाई का अर्थ, यानी कि इसका क्या मीनिंग होता है। तो जो व्यावसायिक इकाई है यानी कि बिजनेस यूनिट है, इसको इसमें जो इकाई शब्द है इसको प्रयोग जो है तीन अर्थों में बताया गया है, तीन प्रकार के मीनिंग में बताया गया है। जैसे पहला बताया गया है संयंत्र स्तर पर, यानी कि इसको इंग्लिश में कहेंगे प्लांट लेवल पर। दूसरा बताया है फर्म स्तर पर, यानी कि फर्म लेवल पर। और तीसरा बताया है उद्योग स्तर पर, यानी कि इंडस्ट्री लेवल पर। तो अब तीनों लेवल पर क्या क्या बातें कही गई हैं, यानी कि सबसे पहला है संयंत्र स्तर, यानी कि प्लांट लेवल पर क्या बातें कही गई हैं। तो सार्जेंट फ्लोरेंस थे एक, उनके अनुसार उन्होंने ये बताया कि जो संयंत्र यानी कि जो प्लांट होता है, उससे आशय ये है कि जो भी पर्सनस हैं के उस समूह से है जो वस्तुओं के उत्पादन तथा सेवाओं के निष्पादन हेतु एक निश्चित स्थान और तथा समय पर एकत्रित होते हैं। यानी कि इन्होंने, सार्जेंट फ्लोरेंस ने ये बोला है कि प्लांट मतलब ये होता है कि व्यक्तियों का वो समूह है जो किसी भी प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने, किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने के लिए या फिर सर्विसेज का निष्पादन करने के लिए एक एक डेफिनेट प्लेस पे और डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम पर इकट्ठा हो जाते हैं। इसी दृष्टि से जो संयंत्र शब्द है यानी कि प्लांट शब्द है, एक फैक्ट्री कह सकते हो आप, मिल कह सकते हो, वर्कशॉप कह सकते हो, खान गोदाम फुटकर कह सकते हो, ये सब दुकान का पर्यायवाची है। तो ये पहला प्लांट लेवल पर इन्होंने बताने का प्रयास किया है। दूसरा है फर्म स्तर पर। फर्म स्तर पर क्या बताया गया है कि फर्म का जो मीनिंग होता है वो जो प्लांट लेवल्स की तुलना में अधिक व्यापक है। कैसे? तो इसका अर्थ ये है कि जो भी आपका ओनर होगा, कोई भी ये या फिर संगठनात्मक इकाई से है, तो जिसका काम प्लांट के प्रबंध एवं नियंत्रण तथा उत्पादित माल अथवा सेवा की बिक्री की व्यवस्था करना होता है, यानी कि जो भी इस चीज़ को कंट्रोल करेगा, जो भी आपके पास गुड्स आए हैं या फिर सेवा की बिक्री की व्यवस्था करनी है आपको, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो इसके अधीन एक से अधिक प्लांट हो सकते हैं, यानी कि आपको फर्म लेवल पे, बड़े लेवल पे आपको तैयार करना पड़ता है। दूसरा, तीसरा है आपका उद्योग स्तर पर, यानी कि इंडस्ट्री लेवल पर। तो आप तो जैसे कि आप समझ सकते हैं इंडस्ट्री लेवल पर बहुत बड़े मात्रा में कार्य होगा, यानी फर्म से भी बड़े लेवल पर। तो उद्योग से आशय है कि इंडस्ट्री से आशय फर्मों के ऐसे समूह से है, ऐसे ग्रुप से है जो एक सा कच्चा माल प्रयोग करते हो, यानी कि जो एक सा रॉ मटेरियल यूज़ करते हो अथवा अलग अलग प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग करते हो, ताकि एक समान वस्तु का वो क्या कर सके, प्रोडक्शन कर सके। तो ये होता है इंडस्ट्री लेवल। जैसे हम चीनी उद्योग के बारे में सुने हैं, जूट उद्योग के बारे में, सूती वस्त्र उद्योग के बारे में सुने हैं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो बिजनेस यूनिट है, शब्द का प्रयोग उपरोक्त तीनों अर्थों में किया जाता है, तथापि इसका अध्ययन की दृष्टि से जो बिजनेस यूनिट है उसके आकार से आशय फर्म से है। तो आई होप आपको ये इसकी मीनिंग क्लियर हो गई होगी कि क्या बताना चाह रही हूँ। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे पेज पे। दूसरा पेज है लिसनर्स, व्यावसायिक इकाई के आकार को निर्धारित करने वाले तत्व, यानी कि फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ बिजनेस यूनिट। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं बिजनेस यूनिट की साइज़ को, यानी कि व्यावसायिक इकाई की स्थापना करते समय यह निर्णय लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लिसनर्स, कि इसका आकार छोटा होना चाहिए कि बड़ा होना चाहिए कि मध्यम रूप का होना चाहिए। तो इसी से हम क्या करते हैं, आकार को प्रभावित करने वाले जो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कारक होते हैं, घटक होते हैं, उनका हमें स्टडी करना ज़रूरी होता है। तो कुछ घटक इस तरीके से हैं, कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि पहला मैंने दे रखा है व्यवसाय की प्रकृति, यानी कि इसको इंग्लिश में कहेंगे नेचर ऑफ बिजनेस। इसमें क्या बताया गया है मेनली कि कुछ व्यापार, कुछ इंडस्ट्री छोटे आकार पर भी स्थापित किए जा सकते हैं, जबकि कुछ बड़े आकार पर भी हो सकते हैं। एग्जांपल के लिए लें तो एल्युमिनियम का हो गया, लोहा का हो गया, वो इस्पात का हो गया, भारी मशीन बनाने की इकाई जो होती है, उर्वरक की हो गई आदि, कुछ ऐसे
इंडस्ट्री हैं जिनका स्थापना छोटे आकार पर ही हो ही नहीं सकता, यानी कि आप इसको अब छोटे लेवल पे सेटअप ही नहीं कर पाओगे। तो इसी प्रकार जो व्यापारिक इकाइयों की स्थापना छोटे बड़े या मध्यम आकार में हो सकती है, यानी कि हम स्मॉल लेवल पे और मीडियम लेवल पे और बड़े लेवल पे यानी कि लार्ज लेवल पे भी कर सकते हैं इसको। आई होप आपको ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट है संयोजन की संभावना, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोस्पेक्टस ऑफ कॉम्बिनेशन। इसमें इसका मतलब ये है कि यदि दो या दो से कह सकते हैं आपकी अधिक व्यवसायी बिजनेस यूनिट आपस में संयोग करती हैं, मतलब संयोग यानी कि आपस में चीज़ें करती हैं, तो वो जो उनका आकार होगा, उनका जो साइज़ होगा, वो में उसमें क्या होगा, डेफिनेटली ग्रोथ होगी। वही कई कारण में यह संयोज होता है कि अनेक इकाइयों का आकार इसी संयोजन के परिणाम स्वरूप बड़ा है, यानी कि कह सकते हैं कि अगर हम संयोज करें तो उसमें क्या होता है कि उसके रिजल्ट से काफ़ी उस बिज़नेस की ग्रोथ भी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग आ जाते हैं। इसी संबंध में जो भी उपयुक्त अवसर की संभावना होती है, इंडस्ट्री विशेष में लगे जो भी यूनिट हैं उनकी नीति यानी कि पॉलिसी या सरकार की नीति से प्रभावित भी करती है। नेक्स्ट आपका तीसरा पॉइंट है श्रम व कच्चे माल की उपलब्धि, यानी कि इसको इंग्लिश में कहेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एंड रॉ मटेरियल। इसका मतलब होता है कि हमारे पास अवेलेबिलिटी होनी चाहिए रॉ मटेरियल की और लेबर की। ये भी जो ये भी एक ऐसा फैक्टर्स है जो बिजनेस यूनिट को प्रभावित करती है। यदि पर्याप्त मात्रा में अगर आपको लेबर और रॉ मटेरियल्स नहीं मिलेंगे तो आपको उसके आकार को बढ़ाने में कठिनाई होगी, यानी कि अपने बिजनेस को अगर आपको बड़ा करना है तो बड़े लेवल पर ले जाना है तो बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करना होगा। प्रोडक्शन करने के लिए आपको ये दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए इसकी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हुआ अगर तो आकार सीमित ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। इसलिए इसको बढ़ाना चाहिए, यानी कि इसमें अवेलेबिलिटी कराना पड़ता है, यानी कि इसमें कह सकते हैं आपकी अगर ये दोनों उपलब्ध होंगे तो ये क्या होगा, इसके बिजनेस के आकार को बढ़ाएगा, वरना अगर उपलब्ध नहीं होंगे पर्याप्त मात्रा में तो आकार सीमित ही रहेगा। नेक्स्ट बात कर ले फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ पॉइंट है हमारा लिसनर्स निर्यात की संभावना, यानी कि प्रोस्पेक्टस ऑफ एक्सपोर्ट। हम जैसे जानते हैं कि जो दूसरे देश की सरकार होती है निर्यात को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के प्रोत्साहन देती हैं। यदि इनका लाभ उठाएं, हम निर्यात की मात्रा को बढ़ाए जाने का प्रयास करें, तो उसे उसमें क्या होता है, पर्याप्त सफलता प्राप्त होती है, तो निश्चित ही इस इकाई का आकार भी बढ़ेगा। नेक्स्ट आपका लास्ट है सरकारी नीति, यानी कि सरकारी नीति का मतलब होता है गवर्नमेंट पॉलिसी, यानी कि सरकार की नीति भी इस आकार को अत्यधिक प्रभावित करती है। कैसे, तो इस संबंध में सरकार आकार को रोकने से प्रतिबंध लगाती है और कुछ क्षेत्रों में आकार को बढ़ाने की भी नीति भी होती है, तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। वैसे देखा जाए सामान्यतः तो भारत जैसे विकासशील देश में धन व सत्ता के केंद्रीकरण को रोकने के लिए आकार को बढ़ने में यानी साइज को बढ़ने में अनेक प्रतिबंध लगाए गए हैं। दूसरी ओर अनेक इंडस्ट्री को लघु स्तरीय उद्योगों के लिए भी आरक्षित कर दिया है। वैसे स्वयं सरकार बड़े आकार वाले भारी व आधारभूत उद्योगों की स्वयं स्थापना करती है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स लिसनर्स क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप मेरे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी गाइज़।